गोपीगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करोड़ों की अफीम के साथ एक घर आया। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के बस स्टैंड के पास करोड़ों की अफीम के साथ नजीबुल हक नामक एक व्यक्ति को गोपीगंज पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई। नमस्कार, मैं आनिस अख्तर, आप देख रहे हैं आनिस अख्तर ऑफिशियल। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक राम बहादुर चौधरी मैं हमरा हरिकेश व शेराफुल हसन व चालक रामविलास यादव के साथ थाना स्थानीय से वास्ते संदिग्ध व्यक्ति व वस्तु की चेकिंग कस्बा गोपीगंज ओवरब्रिज के नीचे बने शिव मंदिर के मुंह के पास हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर गोपीगंज बस अड्डे के पास एक व्यक्ति अपने बैग में नाजायज वस्तु लिए है। हमराही कर्मचारी बस स्टैंड गोपीगंज से पहले कुछ दूरी पर वाहन रोक दिया। वाहन से उतरकर मुखबिर के साथ कुछ कदम आगे बढ़े कि मुखबिर ने एक व्यक्ति की ओर उगोली से इशारा करके बताया कि जो अपने कंधे पर बैग कत्थई रंग का टागे हैं, उसी के बारे में बताया था और चला गया। हम पुलिस वाले छिपते छिपाले उसके पास पहुँचे तो अचानक हम पुलिस वालों को देख कर हड़बड़ाया और भागने लगा, जिसे 10 कदम की दूरी पर हाईवे पिलर 022 के पास आवश्यक बल प्रयोग करते हुए नाम पूछते हुए व भागने का कारण पूछा। पूछते हुए समय करीब 9:38 बजे पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम नजीबुल हक पुत्र इब्राहिम शेख निवासी ग्राम सुरीलिया थाना बेलदांगा जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल बताया। उसके पास से 7 किलो 346 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर समक्ष न्यायालय पेश किया। हम आपको सच्ची और पक्की खबरें लेकर आते हैं। अगर आपके आसपास कोई खबर हो तो हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आनिस अख्तर, आप देख रहे हैं आनिस अख्तर ऑफिशियल।